जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे गुप्त नवरात्रि की। गुप्त नवरात्रे कब से प्रारंभ है, कब तक रहेंगे, गुप्त नवरात्रों में व्रत करें या ना करें, पूजा करें या ना करें, कलश स्थापित करें या ना करें, अखंड जोत जलाएं या ना जलाएं, ज्वारे उगाएं या ना उगाएं, लेकिन क्या हम एक मेन मुख्य कार्य करें कि इन गुप्त नवरात्रों में माता रानी की कृपा से हमारी सारी समस्याओं का अंत हो जाए, हमारी गुप्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, ऐसा हम क्या करें? समस्त शुभ मुहूर्त से लेकर क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं, समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली तमाम ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सभी जयकारा लाएंगे माता रानी के नाम का, बोलो साचे दरबार की जय। माई मेरी जतिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। गुप्त नवरात्रों की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। वर्ष भर में चार तरह के नवरात्रे आते हैं, शरदीय नवरात्रे, चैत्र के नवरात्रे, उन्हें जग जननी नवरात्रे कहते हैं, यहाँ की जग जानता है उन नवरात्रों को। लेकिन गुप्त नवरात्रे जो कि माघ माह में और आषाढ़ माह में आते हैं, उन्हें दक्षिण भारत में तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग इनके विषय में जानते हैं। लेकिन ये गुप्त नवरात्रे, मान्यता ये है, शास्त्रों में ये कहा जाता है कि जो हमारे शरद और चैत्रीय नवरात्रि होते हैं, गुप्त नवरात्रों में उनसे भी ज्यादा विशेष फल की प्राप्ति होती है यदि आप शांत रहकर पूजा को करते हैं। ये गुप्त नवरात्रे 30 जून से प्रारंभ होकर 9 जुलाई तक रहने वाले हैं। इस गुप्त नवरात्रों में माता रानी के 9 रूपों की पूजा तो होती है, साथ साथ उनके 10 महाविद्याओं की साधना भी की जाती है। यहाँ एक छोटा सा भ्रम ये है कि गुप्त नवरात्रों की पूजा तांत्रिकों द्वारा की जाती है, तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए की जाती है, लेकिन सामान्य भक्त जन भी इस पूजा को कर सकते हैं। यानी गुप्त नवरात्रों में सामान्य जन सामान्य रूप से गुप्त नवरात्रों की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले वो बताऊंगी जो इन गुप्त नवरात्रों में पूजा और व्रत पूर्ण नियम से करना चाहते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो जिस तरह से आप नवरात्रों में करते हैं, उसी तरीके से आपको इन दिनों भी पूजा करनी है। आपको कलश स्थापना करनी है तो कलश के नीचे चावल से अष्टदल कमल बना सकते हैं और उसके ऊपर आप अपना कलश रख सकते हैं। कलश पे स्वास्तिक बनाएंगे, रोली से स्वास्तिक बनाएंगे और मौली यानी कलावा बांधेंगे और अशोक के आम के पल्लव लगाएंगे, उसके अंदर एक सुपारी, एक सिक्का और एक हल्दी और एक लौंग का जोड़ा डालेंगे। ये आपका कलश स्थापना हो गया। अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो अखंड ज्योति जलाते हैं या सुबह शाम ज्योत जलाते हैं, उसकी भी सब वीडियो पहले से प्रसारित की गई हैं। प्रतिदिन माता की सुबह शाम ज्योत जलाएंगे और आप उनको लाल पुष्प, सफेद पुष्प, पीला पुष्प, जैसे जैसे पुष्प होंगे वो आप उनको अर्पित करेंगे। भोग विशेष मैं बता दूं, आप व्रत पूजा करो या ना करो, आप प्रतिदिन अगर सुबह शाम माता रानी की ज्योत जलाते हो, ओम धूम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करते हो, साथ ही साथ बताशा और एक जोड़ा लौंग का भोग लगाते हो, तो समझ लो हो गई आपकी बल्ले बल्ले। ये विशेष चीज मैंने आपको विशेष रूप से बीच में ही बता दी। अगर आप पूरे व्रत रखते हैं तो वही आपको व्रत का फलहार करना है, यानी कि आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। आपको कूटू से, मखाने से और फिर साबुदाने से, सिंघाड़े से बनी हुई चीजें खानी होती हैं, सब्जियां खानी होती हैं, आलू ज्यादा खाने होते हैं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, जैसे आपके श्रद्धा हो। और व्रत नहीं रखते हैं, पहला पिछला रखते हैं तो भी यही चीजें खाएंगे, और व्रत नहीं रखते हैं तो, और अगर आप उपाय करते हैं तो संभवतः ये प्रयास करें कि सात्विक भोजन ग्रहण करें। अगर आपके घर में कोई नहीं मानता, आपको ये लगता है कि कोई घर में नहीं मानता, हमको तो प्याज बनाना ही पड़ेगा, हमें तो गार्लिक डालना ही पड़ेगा, तो आप मत खाइए ना, आप मत खाइए, कोई बात नहीं, सब खा रहे हैं तो खाने दीजिए, घर में कलेश मत डालिए, लेकिन आप मत खाइए, आपका अपने ऊपर तो कंट्रोल है ना, आप मत खाइए प्याज, आप कोई ऐसा भोजन ग्रहण करिए जिसमें कि प्याज ना, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका खाने का और पूजा करने का नियम। इसके अलावा अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं, तब आप क्या करें, प्रतिदिन आपने अगर कलश भी स्थापित नहीं किया, कोई बात नहीं, डेली तो आप पूजा करते हैं ना, सुबह शाम की ज्योत तो आप माता रानी की जलाते हैं, तो प्रतिदिन जो आप कलश है उसमें क्या डालें, चमत्कारी चीज बताऊंगी, उसके अंदर आप एक चुटकी कुमकुम, एक चुटकी कुमकुम और थोड़ा सा मीठा,
वो आपकी मिश्री भी हो सकती है, आपकी चीनी भी हो सकती है, आपका गुड़ भी हो सकता है, वो शक्कर भी हो सकती है, जो भी कुछ आपने अपने मंदिर में भोग स्वरूप रखा है कुछ भी, एक चुटकी मीठा और एक चुटकी सिंदूर या कुमकुम जो आपके घर के मंदिर में रोली रखी होगी वो आप अपने कलश में डालिए और आप माता रानी के सुबह शाम जोत जलाइए। जोत में क्या डालना है, इतना सा कपूर चूर के, ठीक है, कपूर की टिक्की है तो इतनी मोटी टिक्की नहीं डालनी आपने जोत लगाई, लंबी बत्ती की जोत लगाना और कलावे वाली बत्ती की जोत लगाना। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बनाकर भी बत्ती दिखाई है कि किस प्रकार आपको बत्तियां बनाकर रख लेनी है सुख समृद्धि धन वैभवता खुशहाली के लिए, तो वही बत्ती आपको लगानी है। और इतना सा कपूर, एक टिक्की में से थोड़ा सा कपूर तोड़ के चूर के उस घी में डाल दीजिए जिसकी कि आप जोत जला रहे हैं। ये कार्य आप करिए सुबह शाम, ये करिए, हल्की हल्की घंटी बजाइए, सुगंध लगाइए और ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। मन से, तन से, वचन से और जिह्वा से आप सात्विक रहिए तो उतना भी माता रानी को स्वीकार रहे हैं, उतने में भी माता रानी आपकी इच्छाएं पूरी करती है। आप अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि इन पूरे गुप्त नवरात्रों में मुझे नहीं खानी है प्याज, ठीक है, सब खाते हैं तो हमें उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना। आप अपने आप को रोको, औरों को मत रोको। तो जो भी आप कर सकते हैं वो करिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक महा उपाय बता देती हूँ पूरे नवरात्रों का। आपको लेने हैं थोड़े से ये पल्लव, मैंने तो अशोक के लिए है क्योंकि मेरे घर के बाहर अशोक का पेड़ है तो वो इजीली मैं ले पाती हूँ, और आप ये आम के भी ले सकते हैं, ठीक है। आम के पत्ते, अशोक के पत्ते की ये बंदर वाला आपको बनानी है पहले दिन, और ये घर के मुख्य द्वार पर आपको लगा देनी है, अपने रूम के मुख्य द्वार पर। लेकिन कैसे लगानी है देखिए जरा, मैंने इसमें लगाई है कुमकुम से 5 बिंदी, ठीक है, और ये जो है ना ये इसकी डंडी, इसमें कलावा बांध बांध के, इसमें कलावा बांध बांध के 7, 9, 11 पल्लव की आप एक वो बनाइए मोली में, कलावे में, ठीक है, कलावे के साथ बांध बांध के, बांध बांध के, बांध बांध के, ये सुंदर पत्तों की, 11 पत्तों की, 7 पत्तों की आप ये माल ये बनाइए बंदरवार, और ये अपने घर के बाहर वाले गेट पे नहीं, एक तो बाहर वाला गेट होता है जैसे फूल के साथ अंदर आते हैं, एक वो गेट होता है जिससे हम अपने रूम में प्रवेश करते हैं, हम अपने कमरे में जाते हैं उस पर ये लगाइए। इससे फायदा क्या होगा, ये पल्लव लंबे होते हैं, थोड़ी सी नीचे लगाइए, बहुत ऊंची मत लगाइएगा। जब लोग आपके घर के सदस्य आप भी आपके अब आएंगे जाएंगे तो कोशिश करें कि वो सिर में ऐसे लगे, सिर में, बालों में, छोटे बच्चों के तो नहीं लगेगी, बड़ों के तो लगेगी ना, बच्चे को गोदी भी ले सकते हैं आप अगर आप चाहें तो इस तरह से ये ना थोड़ा 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 सिर के ऊपर टकराए, जैसे ये ना ये आपने यहाँ बांधी तो आते जाते वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे सिर के ऊपर लगे। ये इसका महत्व मैं आपको क्या बताऊं, इतनी चमत्कारी है ये बंदरवाल, इतनी शुभ है ये, आपके घर से सारी नेगेटिविटी दूर होगी, घर से ही नहीं घर के लोगों से भी ये नेगेटिविटी दूर कर देगा ये बंदरवाल जो आप लगाएंगे। माता रानी तो प्रसन्न होगी, माता लक्ष्मी तो प्रसन्न होगी होगी, लेकिन घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। माता लक्ष्मी का आगमन होगा जब ये कुमकुम लगे हुए पल्लव से बंदरवाल बनी हुई होगी ना, तो आप खुद भी देखेंगे, आप भी इसको निहारेंगे, आप भी आते जाते इसको निहारेंगे, और जब इस पर आपकी निगाह टिकेगी ना, यहाँ ये चित्त शांत होना शुरू हो जाएगा, क्रोध हटना शुरू हो जाएगा, सुविचार आने प्रारंभ हो जाएंगे, कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। अगर बिजनेस पे नौकरी पर जाते हैं और आते हैं तो जब ये इस मस्तक पर लगेगी ना तो सारे कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। ये चमत्कारी बंदरवाल बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा और जरूर लगाइएगा अपने घर के दरवाजे पर। तो ये थे गुप्त नवरात्रों के जो मैंने बताया महा शुभ योग में गुप्त नवरात्र आ रहे हैं। इसमें आपको मैं क्या बताऊं कि इतने शुभ संयोग बन रहे हैं, अडाल विडाल योग बन रहे हैं, गुरु पुष्य योग बन रहा है, स्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। इन गुप्त नवरात्रों में सामान्य रूप से पूजा कर लीजिए अगर आप नहीं करते हैं व्रत वगैरह, और करते हैं तो जैसे मैंने बताया है कि आप नवरात्रों में करते चले आए हैं उसी प्रकार रखिए। नारियल भी रख सकते हैं, ज्वारे भी बीज सकते हैं आप चाहें तो, और अगर नहीं चाहें तो साधारण तरीका भी मैंने आपको बताया कि रोज जल का जो लोटा है उसमें आपको क्या डालना है, दीपक में आपको क्या डालना है, तुम दुर्गाय नमः, ओम तुम दुर्गाय नमः मंत्र का आपको जाप करना है, और मन कर्म वचन से आपको सात्विक रहना है, निश्चल रहना है, सबसे प्रेम करना है। कर कर देखिए इन गुप्त नवरात्रों में, यही कर लीजिए और कुछ ना करें। और जितने भी मैं आपके सामने पूरी सीरीज उपाय की लेने लेकर आने वाली हूँ उनको ध्यान से देखिए। और उसके साथ साथ एक और शुभ सूचना कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आप छोटी वीडियो नहीं बनाते हैं, तो आपको नवरात्रों के हर दिन का एक उपाय हर दिन के दिन मिलेगा, एक छोटी सी वीडियो में, यानी छोटा सा उपाय आपके सारे काम बनाए।
एक छोटी सी वीडियो, बिल्कुल छोटी सी वीडियो आपको 30-40 सेकंड की प्रतिदिन मिलेगी। छोटा सा उपाय नवरात्रों का आपको क्या करना है उस वीडियो में मिलेगा। और बाकी पूरी सीरीज आपके लिए, जी भर कर माता रानी की पूजा कीजिए, जी भर कर उन्हें मनाइए, खूब सारे उपाय कीजिए और अपने सारे काम बनाइए। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। ईश्वर आपकी मदद करे।